राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की पहली तस्वीर आई सामने। टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दुनिया को दिखाई रामलला की तस्वीर। गर्भगृह में रामलला की श्याम वर्णी मूर्ति विराजमान। कमल दल पर बाल स्वरूप की खड़ी प्रतिमा तो किया गया स्थापित। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति 51 इंच ऊंची और 200 किलो वजनी है। अरुण योगीराज ने बनाई है मूर्ति। अयोध्या में 20 जनवरी से बाहरी लोगों की एंट्री बैन। अयोध्या वासियों के लिए जारी होगा पहचान पत्र। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में रखी जाएगी भगवान राम की चरण पादुकाएं। सोने और चांदी से बनाई गई हैं पादुकाएं। 22 जनवरी को पीएम मोदी के दौरे के पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। देश भर से रामनगरी पहुंचे कलाकार दीवारों पर बना रहे तस्वीर। राम सेवक फोरम में भगवान राम की लीला दर्शाने वाली 500 से अधिक मूर्तियां तैयार। राम कथा कुंज कॉरिडोर में लगाई जाएंगी मूर्तियां। सरयू में सौर ऊर्जा से चलने वाली बोट का हुआ ट्रायल। सोलर बोट में एक बार में 20 से ज्यादा लोग कर सकते हैं यात्रा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नगर निगम ने बनाया आश्रय स्थल। रामचरितमानस की थीम पर बनाया गया आश्रय स्थल। देश भर के रेलवे स्टेशन पर होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण। 9000 स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन कराएगा रेलवे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिख समुदाय का आज से अयोध्या के ब्रह्मकुट गुरुद्वारा में अखंड पाठ। 21 जनवरी तक चलेगा ये पाठ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट को जारी किया। कहा डाक टिकट कागज का टुकड़ा नहीं ऐतिहासिक संग्रह। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्र सरकार ने अपने सभी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ओडिशा सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। 22 जनवरी को यूपी एमपी हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने भी छुट्टी का ऐलान किया। 22 जनवरी की छुट्टी पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी सरकार ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी को रद्द किया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबलपुर में छात्राओं की अनोखी पहल। मानव श्रृंखला से बनाई भगवान राम की आकृति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा में 21 जनवरी को सुंदरकांड पाठ कराएगी आप। सभी जिला मुख्यालयों में होगा पाठ। ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल समूह मुख्यालय का ड्रोन फुटेज किया जारी जहां उसने पहले हमला किया। ईरान और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच राष्ट्रपति रईसी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। अलर्ट मोड में पाकिस्तान के एयर डिफेंस। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम बुला सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। एनसीसी की बैठक में होगा पाक ईरान तनाव पर मंथन। ईरान में 50 किलोमीटर अंदर घुसे पाकिस्तानी विमान और पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक्शन में 9 लोग। ईरान और पाकिस्तान के बीच सुलह की कोशिश करेगा तुर्की। तनाव कम कराने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से की बात। ईरान ने बॉर्डर पर तैनात की मिसाइलें। मिसाइल तैनाती का सामने आया वीडियो। पाकिस्तान पर हमला कर सकती है ईरानी सेना। ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की। कहा उम्मीद है आतंकी समूहों को रोकने में अपने दायित्वों का पालन करेगा पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। कहा ईरान और पाकिस्तान के बीच झड़पें दिखाती हैं कि इलाके में ईरान को पसंद नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। रेड सी में जहाजों पर हमले बंद होने तक हूती के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बड़ा बयान। कहा अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष बढ़े। ईरान पर इसराइल के सीधे हमले पर बोले पीएम नेतन्याहू कौन कहता है कि हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे हम ईरान पर हमला कर रहे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। यूपी एटीएस ने आज डल्ला गैंग के 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों के पकड़े जाने पर यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कहा कि संदिग्धों का आतंकी संगठन से नहीं है संबंध। पीएम मोदी आज से महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर सोलापुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत करेंगे। कल तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। रामेश्वर के अरु मिलगुब्बा रामनाथ स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी कंबा रामायण के छंदों का पाठ और संस्कृत अवधि कश्मीरी असमिया बंगाली और गुजराती में रामायण की प्रस्तुति सुनेंगे।
प्राण प्रतिष्ठा के न्यौते पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा कि दर्शन के लिए न्यौते की जरूरत नहीं, मंदिर बनने के बाद जाऊंगा अयोध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम रोम में राम पुस्तक का किया विमोचन, कहा राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी जैसा साधन होंगे। कार सेवकों पर गोली चलाने के मामले पर शिवपाल यादव का बयान, कहा कि संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर चलवाई गई थी गोली। शिवपाल यादव ने कहा कि कार सेवकों ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था, कोर्ट के आदेश का पालन कर पाने के लिए चलवाई गई थी गोली। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी हसन का बीजेपी पर निशाना, कहा धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेना चाहती है बीजेपी। 22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों में अवकाश पर एसपी ने उठाए सवाल, कहा देश में अब कानून नहीं हंटर का राज चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी रामराज की धज्जियां उड़ा रही। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, हिंदू धर्म समुद्र जैसा ही समुद्र ही रहेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में हुती विद्रोहियों पर किया हमला, सना से लेकर सादा तक रात भर की बमबारी। अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक में यमन का आसमान लाल हो गया, हुती विद्रोहियों का सैन्य बेस पूरी तरह तबाह। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से बॉम्बर्स ने भरी उड़ान और यूएस बॉम्बर्स के निशाने पर रहे पश्चिमी यमन के कई शहर। लाल सागर से समुद्री जहाजों के मार्ग बदलने से ईंधन भरने का पैटर्न बदला, दक्षिण अफ्रीका से लेकर कैनरी द्वीप तक बंकर ईंधन की बड़ी मांग। हमास ने उत्तरी गाजा में इजरायली बलों के खिलाफ हमले की घोषणा की, गाजा शहर के अल-तुफा जिले में इजरायली टैंक को निशाना बनाया। नेतन्याहू का फिलिस्तीनियों को लेकर बड़ा बयान, कहा इजरायल को भविष्य में नदी से समुद्र तक पूरे इलाके को नियंत्रित करना होगा। वडोदरा के हनी झील में हुए नाव हादसे में अभी तक 16 लोगों की मौत, पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने नाव हादसे के 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने नाव हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए, कलेक्टर को 10 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। बिल्किस बानो केस के 3 दोषियों के सरेंडर की तारीख बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 3 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर का वक्त 4 हफ्ते बढ़ाने की मांग की, 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, बंगला खाली करने पर रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज आएगा फैसला, आप विधायक मनतुल्ला खान पर ईडी ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर परामर्श प्रक्रिया जारी है, पूर्व जज सीसी नागरिकों और राजनीतिक दलों ने कमेटी को दिए सुझाव। दावोस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मालदीव के विदेश मंत्री ने की मुलाकात, भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने पर बात हुई। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल से कम उम्र के छात्रों के एडमिशन देने पर रोक लगाई गई।